दोनों की डेड बॉडीज जो है उसी इसी एम्बुलेंस में है। फिलहाल इस एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडीज को SRM मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, अतीक की बॉडी निकल चुकी है और दूसरा एम्बुलेंस अंदर दाखिल हो गया है। अशरफ की डेड बॉडी जो है वो अंदर है और अशरफ की डेड बॉडी निकल के SRM जाएगा जहां दोनों का पोस्टमार्टम होगा। एक्सरे पोस्टमार्टम से कराना पहले बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब बुलेट इंजरी होती है तो ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि गोली कहाँ कहाँ फंसी है, कितनी गोलियां लगी हैं और क्या डेड बॉडी के अंदर कोई भी कारतूस अभी है। उसको जानने के लिए एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सरे हुआ है। एक्सरे कराने के बाद दोनों की डेड बॉडीज को लेकर पुलिस फिलहाल निकल रही है। एक डेड बॉडी निकल चुकी है, दूसरी डेड बॉडी के लिए देखिए यहाँ पर गेट को बंद किया गया है, एम्बुलेंस अंदर गई है और दूसरी डेड बॉडी भी निकलती हुई नजर आएगी। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और अतीक की डेड बॉडी निकल चुकी है, अशरफ की डेड बॉडी निकलने के लिए तैयार है, गेट को बंद किया गया है भारी तादाद में। इस वक्त आप देखेंगे तो पुलिस बलों का यहाँ पर जमावड़ा है, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है और इस बीच तस्वीरें लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कैसे इस मामले में हत्या आरोपी पकड़े गए और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से पहले पोस्टमार्टम और उससे पहले एक्सरे कराने की प्रक्रिया चल रही है। गेट को बंद किया गया है, गेट के बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।